बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाइडिंग के चैप्टर नंबर 1 की एक समरी स्टार्ट करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए चैप्टर की। सबसे पहले 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिनमें से 25 ट्रिलियन आरबीसीज हैं और 75 ट्रिलियन बाकी सेल्स हैं। हमारी बॉडी 60% फ्लूइड पे कंसिस्ट कर रही होती है। इस 60% फ्लूइड का 40% फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और 20% फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये बात समझ में आ गई। सारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्योंकि कॉन्स्टेंट मोशन में होता है, चाहे वो ब्लड फ्लो वाला मोशन हो या ब्लड से इंटरस्टीशियल फ्लूइड के बीच वाला मोशन हो, चूंकि कॉन्स्टेंट मोशन में होता है, इसलिए सारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो एक जैसा होता है। उसके बाद इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो डिफरेंस था, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट लार्ज अमाउंट्स में होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट लार्ज अमाउंट में होते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं आपके पास। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ था होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन थी। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कॉन्स्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, नियरली कॉन्स्टेंट कंडीशन को मेंटेन कर रहे थे एक नैरो रेंज के अंदर। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या कुछ एलिमेंट्स की वो नैरो रेंज ज़्यादा ही नैरो थी और कुछ की थोड़ी कम नैरो थी, वो चीज़ हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर ली। उसके बाद डिजीज़ क्या होता है, हमने कहा था कि डिजीज़ इज कंसिडर्ड स्टेट ऑफ डिसरप्टेड होम्योस्टेसिस, क्योंकि अगर होम्योस्टेसिस डिसरप्ट हुआ है तो हम कहते हैं डिजीज़ है, लेकिन डिजीज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ होम्योस्टेसिस डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि डिजीज़ का मतलब है होम्योस्टेसिस बिल्कुल है ही नहीं बॉडी के अंदर, होम्योस्टेसिस बहरहाल होता ज़रूर है। मुश्किल से मेंटेन कर रहे होते हैं या थोड़ा ख़राब हुआ हुआ होता है होम्योस्टेसिस, इस तरह से कह लें कि डिजीज़ में होता है। फिर आप कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा में होता है और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटरस्टीशियल फ्लूइड को हम कह रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं कि ये जो होम्योस्टेसिस में कौन कौन सी चीज़ें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, तो मैंने एक लाइन में ना सारे जितने ऑर्गन्स थे जो आपकी न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने में रोल प्ले कर रहे थे उनका नाम लिख लिया है। तो आप देख रहे हैं GIT उसमें रोल प्ले कर रही है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रोल प्ले कर रहा है, लिवर रोल प्ले कर रहा है, किडनीज रोल प्ले कर रही हैं, इसी तरह फैट सेल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सारे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। ठीक, ये तो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने में रोल प्ले कर रहे थे। फिर लिवर का क्या रोल था, वो कन्वर्ट कर रहे थे सब्सटेंसेस को इनटू मोर यूजफुल फॉर्म्स। फिर बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल बहुत कॉमन सा आसान है, GIT का रोल बहुत आसान है, उनको समझ इतना मुश्किल नहीं है। जो एक दो डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपको मोटिलिटी प्रोवाइड करता था कि आप फूड को ऑब्टेन कर सकें चल फिर के और अपने आप को हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह से लिवर एक और काम भी करता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ हार्मफुल ड्रग्स आपकी बॉडी में से कर रहा होता है। ठीक, अब इन कंट्रोल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो रेगुलेशन के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है और हार्मोनल सिस्टम होता है। फिर हार्मोनल सिस्टम के बारे में ये बात लिखी हुई थी कि हार्मोनल सिस्टम कंसिस्ट कर रहा होता है 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे और कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज पे जो कि हार्मोन्स को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आपके पास इम्यून सिस्टम और इंटेगोमेंट्री सिस्टम आपकी बॉडी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ये सारा होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने देखा होम्योस्टेसिस में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, फिर होम्योस्टेसिस में एक्सक्रीशन वाले ऑर्गन्स, फिर हमने देखा रेगुलेशन के लिए नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, फिर हम देख रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए इम्यून सिस्टम और इंटेगोमेंट्री सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आपका WBCs, लिम्फ नोड्स, लिम्फ टिश्यूज वगैरह आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन भी होम्योस्टेसिस का पार्ट है, बस धक्के से हमने घसीट के इसको होम्योस्टेसिस का पार्ट गिना है। एंड में लिखते हैं होम्योस्टेसिस इंक्लूड रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और एडिशनल सब्सटेंसेस। ठीक, आगे आते हैं हम रेगुलेशन, और उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। हम ऑक्सीजन को बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से रेगुलेट कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर रेगुलेट कर रहा होता है ब्रीदिंग को बढ़ा के या घटा के। ठीक, फिर उन्होंने आर्टीरियल प्रेशर के रेगुलेशन के लिए बेरोसेप्टर रिस्पॉन्स का पूरा समझाया हुआ था कि किस तरह से बेरोसेप्टर होते हैं आपके पास आर्टरीज के अंदर, जब प्रेशर पड़ता है तो वो ब्रेन को क्या मैसेज भेजते हैं, और सारा हमें समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ। कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज्म होते हैं नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक आपके ज्यादातर कंट्रोल सिस्टम में होता है। इसमें होता क्या है, जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज नेगेटिव टू द इनिशिएटिंग स्टिमुलस। ठीक है, इसकी नेगेटिव फीडबैक की इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज द करेक्शन, इज इक्वल टू करेक्शन ओवर एरर। एरर आपके पास क्या होता है, जो नॉर्मल से अभी भी वेरिएशन रह गई है, और करेक्शन क्या होती है, जो आपके कंट्रोल सिस्टम ने कुछ ना कुछ चीज को करेक्ट करने की कोशिश तो की है। ठीक, लेकिन करेक्शन के बाद भी जो मसला रह गया वो आपके पास एरर है। आगे चलते हैं, अगर अभी समझ नहीं आई तो मेरी जो डिटेल्ड वीडियो है पार्ट 2 की, उसमें डिटेल से डिस्कस किया हुआ कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, फिर फीडबैक पॉजिटिव इज बेटर नोन एज विशियस साइकिल। फीडबैक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ
सॉरी पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की तरफ आ जाते हैं, उसको हम विशी साइकिल भी कहते हैं। अलबत्ता कुछ जगहों पे बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक यूजफुल भी होता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में, चाइल्ड बर्थ में, नर्व सिग्नल के जनरेशन में, यहाँ पे हमारे पास यूजफुल भी है। ठीक हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन थी कि ऑल ये जो सारे हमने पढ़े हैं पॉजिटिव फीडबैक्स जो एसेंशियल थे, तो ये पॉजिटिव फीडबैक्स आर पार्ट ऑफ एन ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक। ये किस तरह था कि वो बॉडी के ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक ही कर रहे होते हैं, ये मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया किस तरह से कर रहे होते हैं। अभी हम एक रिवीजन कर रहे हैं। फिर आखिरी पेज पे अडैप्टिव कंट्रोल का आपके पास जिक्र था, जिसमें ब्रेन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से करेक्शन कर रहा होता है एक्शंस की, एक्शन फॉरन हो जाता था लेकिन ब्रेन करेक्शन करके उन चीजों को चेंज कर रहा होता है। तो यहां तक आपके पास समरी थी चैप्टर नंबर 1 की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।